हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ये आप क्लास 5-6 से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि बच्चे इवन क्लास 11-12 में भी चले जाते हैं, फिर भी उनको इस टॉपिक में प्रॉब्लम होता है। हम लोग सीखने वाले हैं डेसिमल का कैलकुलेशन, और ये जो कैलकुलेशन है ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप क्लास 11 में हो, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, हर जगह आपको डेसिमल का कैलकुलेशन मिलता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पे मैथ्स आता है, वहां पे डेसिमल आता है। और देखो ये कॉन्सेप्ट होता बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों शायद बेसिक क्लियर नहीं होने की वजह से बच्चे बहुत इसमें या तो मिस्टेक कर देते हैं या फिर वो देख के डर के इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो आज मैं आप लोग का ये डेसिमल का जो फियर है ये आपका दूर कराने वाला हूँ। आप ये वीडियो पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद देखो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको टॉप लेवल तक ले पे जाऊंगा, जहां पे आप देखोगे कि आपको डेसिमल जो है उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेसिमल बहुत ही आसान लगने लगेगा। देखो सबसे पहले हम लोग थोड़ा डेसिमल का बेसिक बेसिक बातें सीखेंगे और उसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन करना स्टार्ट कराऊंगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो नंबर लिखा हुआ है इसमें आपको जीरो तीन टाइप के दिख रहे होंगे। एक जीरो ये वाला आपको दिख रहा होगा और एक जीरो ये वाला जो इंटरमीडिएट में है, और ये जो जीरो है जो कि एंड में है। तो ये जो जीरो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग जीरो बोलते हैं, टर्मिनेटिंग जीरो। और आप लोग एक बात याद रखोगे अभी से, सबसे पहला पॉइंट डेसिमल के रेस्पेक्ट में ये होता है कि जो टर्मिनेटिंग जीरो होता है इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपको कहीं पे भी टर्मिनेटिंग मतलब एंड में नॉन डिजिट नंबर के बाद में अगर आपको जीरो मिलता है तो सबसे पहला काम आप इसको इग्नोर करोगे, क्योंकि ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करता है। इसको इलिमिनेट कर दोगे आपका थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा, ये सबसे पहला पॉइंट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखा हुआ है, जैसे ये जो 0.20 है ये क्या है, ये एंड का जीरो आपको टर्मिनेटिंग जीरो दिख रहा है। सबसे पहले आप इसको हटाओ, मतलब ये नंबर एक्चुअली में आपके लिए क्या होगा, 0.2 होगा। जैसे ये नंबर में मुझे क्या दिख रहा है, 0.300 दिया हुआ है। तो अभी ये 3 के बाद लास्ट वाला नॉन डिजिट नंबर के बाद ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो सबसे पहले आप इसको इलिमिनेट कर दोगे, मतलब ये आपके लिए एक्चुअली में क्या है, 0.3 है। जैसे ये 0.4500 इतना बड़ा करके दिखाया जा रहा है, तो आपको पता है अभी कि ये लास्ट वाला जो दो जीरो है ये आपके कोई काम का नहीं है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इसको इग्नोर करूंगा, इसको इलिमिनेट करूंगा, ताकि जो मेरा नंबर है वो एटलीस्ट थोड़ा छोटा हो जाए। सबसे पहला पॉइंट ये। अभी दूसरा एक दो पॉइंट हम लोग ये सीखेंगे। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं एक दो पॉइंट और आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखो डेसिमल कैसे बनता है, जब किसी नंबर को हम लोग 10 से डिवाइड कर रहे होते हैं या फिर 10 का कोई पावर से डिवाइड कर रहे होते हैं तो एंड में डेसिमल आता है। जैसे एक एग्जांपल से समझिए इस बात को, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 1 2 3 4 5 एक नंबर है, और अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा, तो आप लोग याद रखो किसी भी नंबर को जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो ये लास्ट से वन प्लेस के बाद क्या आएगा, डेसिमल आएगा। जैसे अगर यहाँ पे 10 में क्या है, एक जीरो है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4.5। ये बहुत ही बेसिक बेसिक सी बात है, पहले हम लोग थोड़ा बेसिक सीख लेंगे, उसके बाद मैं आपको बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे इसी नंबर को 1 2 3 4 5 अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको आप 100 से डिवाइड कर दो, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, 100 में दो जीरो है, इसका मतलब मुझे एंड से दो प्लेस के बाद डेसिमल पुट करना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3.45। ठीक है, एक और इसी नंबर को हम लोग 1000 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, तो अभी आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि लास्ट का यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम लोग 3 जीरोज है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट से 3 प्लेस काउंट करके डेसिमल पुट करेंगे, मतलब ये क्या होगा, 12.345। तो आपने एक चीज देखा कि डेसिमल कैसे क्रिएट होता है। अभी आपको इसका उल्टा भी समझना होगा, जैसे मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी नंबर के पास अगर वन प्लेस के बाद डेसिमल है, तो अभी इस डेसिमल को हटाओगे कैसे आप लोग, तो आप सिंपली देखोगे ये वन प्लेस के बाद डेसिमल है तो ये आया कैसे होगा, जब इसको डिवाइडेड बाय 10 किया गया होगा। तो अगर मुझे इसका डेसिमल हटाना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं सेकंड पेज नेक्स्ट पेज में आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास नंबर है 1 2 3 4.5, हम लोग क्या देख रहे हैं अभी इसमें वन प्लेस के बाद डेसिमल है, तो अगर मैं ये डेसिमल हटाना चाहता हूँ तो मुझे करना क्या होगा, इस डेसिमल के जगह पे वन लिखना होगा, और इसके राइट साइड में जितना भी नॉन डिजिट नंबर है मतलब जितने भी नंबर्स होंगे टर्मिनेटिंग को छोड़ के, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके जगह जीरो पुट करेंगे। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 बाई 10। जैसे वही सेम 1 2 3 4 5, अगर मान लो 1 2 3.45 है, अगर मुझे इसका डेसिमल हटाना है
तो देखो मैं अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा तो मैं एक डेसिमल की जगह पे क्या लिखूंगा, वन, और इसके बाद क्या दो डिजिट मुझे दिख रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, डिवाइडेड बाई 100 लिख देंगे। और एक चीज देखो, जैसे मान लो वही अगर थ्री प्लेस के बाद होता तो हम लोग क्या करते, हम लोग डिवाइडेड बाई 1000 कर लेते हैं। जैसे 1, 2.345 है, अगर मैं यहाँ का डेसिमल हटाऊंगा तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के जगह पे वन और उसके बाद मुझे तीन डिजिट दिख रहा है तो डिवाइडेड बाई क्या होगा, 1000 होगा। तो अभी आप एक छोटा सा तीन बातें आप लोग सीख चुके हो। सबसे पहला बात ये कि हम लोग देखेंगे सबसे एंड का जो जीरो होगा, जो टर्मिनेटिंग जीरो है, उसको सबसे पहले हटा देना। दूसरा पॉइंट, डेसिमल आता कैसे है, अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो वन प्लेस के बाद डेसिमल, अगर किसी को 100 से डिवाइड करेंगे टू प्लेस के बाद, 1000 से डिवाइड करते हो थ्री प्लेस के बाद, मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में वन का मतलब 10 का जो भी पावर होगा उतने प्लेस के बाद क्या आता है, डेसिमल आता है। और इसका उल्टा, जैसे डेसिमल दिया हुआ है, डेसिमल को हटाना है तो हम लोग करेंगे क्या, जैसे वन प्लेस के बाद डेसिमल है तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के जगह पे वन लिखेंगे और ये फाइव, इसके बाद क्या है, वन डिजिट है तो डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे आप, 10। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि डेसिमल जो होगा ये न्यूमरेटर में ही हो सकता है, ये डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि वन डिवाइडेड बाई, लेट अस सपोज मेरे पास है 0.1, अभी मुझे इसका डेसिमल हटाना है, तो आप लोग सिंपली याद रखो कि डेसिमल जहां से आप हटाओगे उसके अपोजिट, मतलब अगर आप डेसिमल न्यूमरेटर से हटाते हो तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10 का कुछ पावर आएगा। और अगर आप डेसिमल, जैसे मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर से हटाना है तो हम लोग सबसे पहले अगर ये डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू करेंगे, डेसिमल के लिए क्या आएगा, वन, और डेसिमल के बाद कितना डिजिट था, वन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 10। तो मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 1 × 10/1 हो जाएगा सिंपली। जैसे मान लो अगर मेरे पास नंबर है 2 और डिवाइडेड बाई 0.01 अगर मैं करता हूँ, ठीक है, अभी मुझे डेसिमल हटाना है तो आप क्या देख रहे हो, डेसिमल अगर डिनोमिनेटर में है तो इसको हटाओगे तो क्या आएगा, ऊपर में न्यूमरेटर में क्या आएगा, 10 का कुछ पावर आएगा। या फिर सिंपली देखो, डेसिमल की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, वन, इस डेसिमल को मैं हटा रहा हूँ, इसके बाद कितना डिजिट है, 1, 2। देखो ये जीरो टर्मिनेटिंग नहीं है, एंड में नहीं है, तो इसको मुझे काउंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दो डिजिट है तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे, 100 लिख दोगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया 2 × 100 और डिवाइडेड बाई 0.1 का मतलब क्या होता है, 1, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 200। तो ये अगर इतना छोटी छोटी बातें अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप देखोगे आगे का जो कैलकुलेशन है वो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो जैसे ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहला देखो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं एक बार आपको बेसिक से बताता हूँ हम लोग क्या करना है। सबसे पहले आप ये डेसिमल को हटा सकते हो, जैसे मान लो ये जो 0.12 लिखा हुआ है इसको आप कैसे लिखोगे, तो इसको आप लिख लो 12 और डिवाइडेड बाई क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट है तो वन आएगा और इसके बाद दो जीरो है तो यहाँ पे क्या हो गया, दो जीरो लिखना है आपको, इंटू, यहाँ पे देखो सबसे पहला बात कि इसके एंड में क्या दिख रहा है, एक जीरो दिख रहा है मुझे टर्मिनेटिंग, तो इसको पहले हम लोग इलिमिनेट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूंगा, 4 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, वन, डेसिमल की जगह पे वन लिखा उसके बाद वन डिजिट है तो यहाँ पे क्या होगा, एक 10 आएगा। अभी आपको देखो ये इसके बारे में बाद में सोचना है, पहले आप सिंपली क्या करोगे, 12 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो गया, 48 और डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, 1000। तो अभी आपको एक बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको 48 को 1000 से डिवाइड करना है मतलब कितने प्लेस के बाद डेसिमल आएगा, तो यहाँ पे कितना जीरो है, 1, 2, 3, इसका मतलब क्या करना है, मुझे थ्री प्लेस के बाद डेसिमल पुट करना है, ऊपर मुझे दो ही प्लेस दिख रहा है तो हम लोग इसको कैसे लिख लेंगे, 48 के सामने मैं क्या करूंगा, एक जीरो लगाऊंगा तो ये थ्री प्लेस हो जाएगा और इसके बाद क्या करेंगे, एक डेसिमल पुट कर देंगे, तो इसका आंसर क्या होता है, 0.48। ये थोड़ा मैंने आपको डिटेल में बताया। अभी देखो इसको एग्जाम में और आप जल्दी कैसे कर सकते हो, तो देखो आपको सिंपली इस तरीके से सोचना है, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, ये डेसिमल टर्मिनेटिंग जीरो को सबसे पहले आप इलिमिनेट करोगे। ये इलिमिनेट करने के बाद सिंपली आप मान लो कि यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो यहाँ पे क्या हो गया, 12 है और यहाँ पे क्या है, 4 है, तो आप 12 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आता, 48 आता। अभी आप डेसिमल के बारे में सोचना स्टार्ट करो, देखो यहाँ पे कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, 1, 2, 2 प्लेस के बाद डेसिमल और यहाँ पे क्या है, 1 प्लेस के बाद डेसिमल, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल क्या होगा, 3 प्लेस के बाद आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली 3 प्लेस के बाद 1 प्लेस 2 प्लेस और एक मुझे क्या करना होगा, आगे जीरो लगाना होगा, उसके बाद क्या करेंगे, डेसिमल पुट करेंगे। तो इस तरीके से एग्जाम में आप सॉल्व करोगे, पहले तो डेसिमल को हटाओ उसके बाद आप कैलकुलेशन करो और देखो उसके बाद कितना इजीली आप कैलकुलेशन कर पाओगे। और भी देखो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लो ये मेरे को मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे 0.150 है तो ये जीरो को हटाओ क्योंकि ये मेरे कोई काम का नहीं, बस बर्डन बढ़ाने वाला है।
यहाँ पे मुझे दिख रहा है 0.12, उसके बाद 3 जीरो है, ये तीनों जीरो मेरे कोई काम का नहीं है। तो मतलब मेरे काम का नंबर क्या है, 0.15 और 0.12। तो सिंपली पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के बारे में नहीं सोचेंगे, यहाँ पे क्या है 15 है और यहाँ पे क्या लिखेंगे 12, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 15 और 12 को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 180, तो ये आ गया 180। अभी हम लोग को कितने प्लेस के बाद डेसिमल पुट करना है, तो आप देखो इसके बाद आपको यहाँ पे 2 प्लेस के बाद डेसिमल था और यहाँ पे भी क्या था 2 प्लेस के बाद डेसिमल था, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट होगा तो उसमें कितने प्लेस के बाद डेसिमल आने वाला है, 4 प्लेस के बाद। तो आप काउंट करो 1 2 3, और यहाँ पे क्या करेंगे एक जीरो लगाना पड़ेगा, तब क्या होगा ये 4 डिजिट का होगा, और यहाँ पे क्या करेंगे डेसिमल डाल देंगे। अब ये डेसिमल डालने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लास्ट वाला जीरो जो है ये कोई काम का नहीं होगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.018, ये आपका आंसर होगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। देखो ये बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा एक बार अच्छे से इसको एक बार देख लोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे और एक मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जैसे मान लो मेरे पास 0.20 मैंने दे दिया, यहाँ पे ले लिया 0.003 00, और एक ले लेते 0.0500, मुझे ये मल्टीप्लाई करना है, इतना सारा डेसिमल दिख रहा है। धीरे धीरे देखो आपको मैं इसलिए ये करा रहा हूं ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम से ये चीज देखना स्टार्ट करो और आपका फियर थोड़ा सा कम हो। जैसे देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला ये टर्मिनेटिंग जीरो सारा हटाएंगे, ये गया यहाँ का 2, ये गया, मतलब मेरे काम का क्या नंबर है यहाँ पे 0.02। मतलब मैं क्या लिखूंगा, पहले डेसिमल हटा के सोचता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या होगा 3 है, और ये नंबर क्या है 5 है। तो सबसे पहला काम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया 5 3 15, 2 क्या हो गया 30। अभी हम सोचेंगे कि डेसिमल कितने प्लेस के बाद पुट करना है, तो यहाँ पे देखो कितने प्लेस के बाद है 1 2, यहाँ पे 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, यहाँ पे देखो कितने प्लेस के बाद है 1 2 3, यहाँ पे 3 प्लेस के बाद डेसिमल है, और यहाँ पे 1 2 2 प्लेस के बाद डेसिमल है। तो टोटल कितना हो गया 2 प्लस 3, 5 प्लस 2 क्या हो गया 7, मतलब आपको 7 प्लेस के बाद डेसिमल पुट करना है। तो एंड से 7 प्लेस काउंट करेंगे 1 2, और तो प्लेसेस है नहीं तो हम लोग 0 सामने पुट करना स्टार्ट करेंगे 3 4 5 6 7, और फिर हम लोग 7 प्लेस के बाद क्या करेंगे यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे। अभी देखो जैसे ही मैंने डेसिमल पुट किया, इसका जो एंड वाला 0 है इसका कोई रोल खत्म हो गया, मतलब आंसर आपका होगा 0.00000, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में कैलकुलेशन करना है। देखो ये धीरे धीरे शुरुआत है, अभी मैं आपको और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों को मैं लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोग को और भी धीरे धीरे चीजें समझ में आए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप विदाउट डेसिमल नंबर को लिखोगे, और अगर कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो उसको आप इलिमिनेट करोगे। तो जैसे मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 0.81 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 81 इंटू, यहाँ पे क्या है 3.6 है तो इसको मैं क्या लिखूंगा 36, यहाँ पे क्या है 2.4 है तो इसको मैं क्या लिखूंगा 24। अभी देखो यहाँ पे एक काम और आप लोग कर सकते हो, जैसे अभी आपको पता है कि अगर डेसिमल ऊपर रहता है तो डेसिमल को जब हम लोग हटाते हैं तो जैसे मैंने क्या बोला नीचे क्या होता है 10 का पावर उतना आ जाता है, या फिर 1 के बाद उतना 0 हम लोग ऐड कर देते हैं। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे शुरू में कर सकते हो, जैसे हम लोग सिंपली देख रहे हैं यहाँ पे देखो 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 1 प्लेस के बाद डेसिमल, और यहाँ पे 1 प्लेस के बाद डेसिमल, तो टोटल कितना डेसिमल हो गया ऊपर में 4 प्लेस के बाद डेसिमल है। तो हम लोग नीचे क्या करेंगे, अगर 4 प्लेस के बाद डेसिमल हटाएंगे तो 1 के बाद क्या करना है आपको 4 जीरोस लगा देना, 1 2 3 4, तो ये ऊपर वाले डेसिमल का काम खत्म हो गया, या फिर आप इसको 10 का पावर 4 भी लिख सकते थे। अभी हम लोग नीचे वाले डेसिमल का बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे मुझे ये एक लास्ट का नॉन टर्मिनेटिंग 0 दिख रहा है, इसको हटाएंगे, अभी इसको मैं क्या लिखूंगा 12, यहाँ पे ये देखो ये 0 को नहीं हटा सकते हो, तो यहाँ पे क्या है ये 9 है, 0 9 मतलब क्या हो गया 9, क्योंकि अभी हम डेसिमल हटा रहे हैं, और यहाँ पे इस नंबर को मैंने क्या लिख दिया 18। अभी नीचे का जो मैंने डेसिमल हटाया है उसके लिए मुझे ऊपर क्या करना होगा 10 का पावर लिखना होगा, तो काउंट करो नीचे कितने प्लेस के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 2 प्लेस के बाद डेसिमल, यहाँ पे भी क्या है 2 प्लेस के बाद डेसिमल, और यहाँ पे भी 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो टोटल नीचे कितना हो गया 6 प्लेस के बाद डेसिमल। तो 6 प्लेस वाला डेसिमल को जब आप हटाओगे ऊपर 1 के बाद क्या आएगा 6 जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6। अभी आप कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो, देखो ये अभी ये नंबर का कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, 12 से ये कट गया कितने टाइम्स 3 टाइम्स, 9 से आप इसको कट कर सकते हो 9 टाइम्स, 9 से ये कट जाएगा
टू टाइम्स, टू से ये कट गया कितने टाइम्स, 12 टाइम्स। तो ऊपर में क्या मिला आपको, 12 3 जा क्या मिल गया, 36। अभी जीरोस वाले में देखो, ये 4 0 से क्या होगा, ये 4 0 खत्म हो गया, तो क्या बचा ऊपर में, 36 × 100, मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, 3600। तो ये इसका आंसर था। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हो तो आप जल्दी भी बना लोगे और आपका एक्यूरेसी 100% होगा, इसका मैं गारंटी दे सकता हूँ। और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखो ये नंबर है, धीरे धीरे आप समझने का कोशिश करो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे विदाउट डेसिमल नंबर को लिखूंगा। जैसे ये 1.44 है तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, 144। यहाँ पे 120.121 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 121। ये 19.6 है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 196। अभी देखो ऊपर का डेसिमल मैंने हटाया है तो उसके लिए मुझे नीचे क्या करना होगा, 10 का पावर लिखना होगा। तो कितने प्लेस के बाद डेसिमल ऊपर था, बस काउंट करो। यहाँ पे देखो 1 2 2 प्लेस के बाद डेसिमल, लास्ट से काउंट करते। यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3, 3 प्लेस के बाद डेसिमल। यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लेस के बाद डेसिमल। तो टोटल कितने प्लेस के बाद हो गया, 2 + 3, 5 + 1, 6। मतलब नीचे क्या होगा, 1 के बाद 6 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6। अभी देखो नीचे वाला डेसिमल हटा के लिखते हैं। जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 33। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7। यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये डेसिमल के बाद एंड का 0 है तो इसको हटा दो। यहाँ पे क्या हो गया, ये 24। अभी मुझे ऊपर में 10 का क्या पावर लिखना होगा वो सोचना है। तो देखो यहाँ पे कितने प्लेस के बाद डेसिमल था, 1 2 2 प्लेस के बाद। यहाँ पे 1 2 3, 3 प्लेस के बाद डेसिमल था। यहाँ पे 1 प्लेस के बाद डेसिमल है तो टोटल कितना हो गया, 2 + 3, 5 + 1, 6। तो ऊपर में 1 के बाद क्या करोगे, 6 0 प्लेस करोगे। अभी हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो 11 से कट करेंगे, 11 का 3 टाइम्स, और ये 11 का 11 टाइम्स कट जाएगा। उसके बाद आप 12 से कट कर सकते हो, 12 का 2 टाइम्स 24 होता है, और 12 का स्क्वायर होता है 144, मतलब 12 का 12 टाइम्स। 3 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स, और 7 से आप इसको कट कर दो, 7 से कट करो, 7 का 2 टाइम्स क्या होता है, 14, 56 मतलब 8 टाइम्स आएगा। अभी यहाँ पे जहां तक 0 का बात है तो ऊपर में 1 2 3 4 5 6 प्लेस के बाद, और यहाँ पे भी क्या था, 1 2 3 4 5 6, तो ये पूरा ही कट गया। मतलब आपके पास सिंपली क्या बच गया, आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना है 28 का 44 टाइम्स, या फिर 24 का पहले आप 11 टाइम्स कर लो, या 28 का पहले मैं 4 टाइम्स कर ले रहा हूँ। 28 का 4 टाइम्स कितना होगा, 28 4 जा 8 4 जा 32, एंड ये हो गया 8 + 3 11। अभी 111 का मुझे क्या करना है, 11 टाइम्स करना है, तो इसका 11 टाइम्स, 11 टू जा क्या हो गया, 22, 2 कैरी, 11 का 1 टाइम 11 + 2 13, एंड 11 का 1 टाइम 11 + 1 12। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 2 3। देखो इस तरीके से अगर आप डेसिमल हटा देते हो ना तो आपका 50% बर्डन तो वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद पहले आप इस नंबर का कैलकुलेशन कर लो, और उसके बाद लास्ट में बस क्या दिखेगा आपको, जीरोज रहेगा 1 के बाद। तो जितना कट रहा है काट कट करो, उसके बाद या तो मल्टीप्लाई करना होगा नहीं तो डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी हो जाता है। और भी कुछ क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। चलो देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है और प्रैक्टिस करते थे। जैसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नंबर को विदाउट डेसिमल लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं 7.6 को क्या लिखूंगा, 76। ये 5.6 है इसको आप क्या लिख लो, 56। और ये 9.2 है इसको आप क्या लिखोगे, 92, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में जो डेसिमल मैंने हटाया है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे में 10 का पावर लिखेंगे। तो ऊपर कितने प्लेस के बाद डेसिमल, तो यहाँ पे 1 प्लेस के बाद, यहाँ पे 1 प्लेस के बाद, और यहाँ पे भी 1 प्लेस के बाद। तो 1 प्लेस 1 प्लेस 1 प्लेस, 3 प्लेस के बाद। तो यहाँ पे 1 के बाद क्या करोगे आप, 3 0s पुट कर दोगे। अभी देखो नीचे वाला डेसिमल हटाते, यहाँ पे क्या हो गया 14। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 92। और यहाँ पे क्या हो गया, 38। अभी हम लोग डेसिमल काउंट करेंगे और उसके लिए ऊपर में क्या करेंगे हम लोग, ये 1 के बाद उतना जीरोस लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो कितने प्लेस के बाद था, 2 प्लेस के बाद। यहाँ पे 3 प्लेस के बाद है, और यहाँ पे भी 2 प्लेस के बाद। तो टोटल कितना हो गया, 2 + 3, 5 + 2, 7। तो 1 के बाद आप 7 0s लगा दोगे, ठीक है। तो अभी देखो ये 3 0 से क्या हो गया, ये 3 0s कट गया। और अभी आप इसका कैलकुलेशन करो, तो देखो 14 से कट कर सकते हैं, अगर आप लोगों को टेबल याद है, 14 4 जा क्या होता है, 56। यहाँ पे 38 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, 38 2 जा क्या होता है, 76। ये 92 पूरा ही कट गया, क्या बच गया आपके पास, देखो यहाँ पे 2 4 जा क्या हो गया, 8। और यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 2 3 4 0 के साथ।
यहाँ पे क्या आ गया 40 लगा लो, मतलब इसका आंसर क्या था 80,000 था। तो देखो ये डेसिमल हटाने के बाद ये नंबर देखो आराम से कट गया, और डेसिमल जब यहाँ पे वन प्लेस के बाद यहाँ पे थ्री प्लेस के बाद था, तो इसको कैलकुलेट करने में आप लोगों को क्या होगा थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। चलिए एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। जब डेसिमल का स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, तो उससे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि 0.2 का स्क्वायर करो, तो एक्चुअली 0.2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 0.2 इनटू क्या होगा 0.2। पहले मैं चीजों को समझा दे रहा हूँ, फिर आपको एक चीज समराइज कर दूंगा जिसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो अभी देखो इसमें हम लोग को क्या करना है, जैसे मैंने आप लोग को सिखाया, पहले हम लोग क्या करेंगे डेसिमल को हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 × 2 कर लो, 2 × 2 क्या होता है 4, और डेसिमल क्या है यहाँ पे वन प्लेस के बाद और यहाँ पे वन प्लेस के बाद, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लेस के बाद आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक जीरो लगा के यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे। तो अभी देखो इसको आपने डिटेल में देखा, अभी आपको इस तरीके से भी आपको सोच सकते हो कि जैसे अगर मुझे 0.2 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस 2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट मैं करना सिखा रहा हूँ, 0.2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इस 2 का स्क्वायर करूंगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और उसके बाद सिंपली देखूंगा यहाँ पे डेसिमल कितने प्लेस के बाद है 1 प्लेस के बाद, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 2 प्लेस के बाद हो जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे 2 प्लेस के बाद यहाँ पे डेसिमल पुट कर दो। जैसे और एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला 0.03 इसका आप स्क्वायर करो, तो अभी हम लोग क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले ये 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 0.03 का मतलब क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहाँ पे आप 9 लिखोगे। उसके बाद आप देखोगे डेसिमल यहाँ पे 2 प्लेस के बाद था, तो जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 2 × 2 क्या हो जाता है 4, तो आपको 4 प्लेस के बाद डेसिमल पुट कर देना है। तो यहाँ पे एक 1 प्लेस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2, 3, 4, और यहाँ पे क्या करोगे डेसिमल पुट कर। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, और एक दो एग्जाम्पल से समझ लो, इतना प्रैक्टिस कर लो ताकि ये सब आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट ना करे। सबसे पहले जैसे यहाँ पे 1.2 का स्क्वायर है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या देखोगे, सबसे पहले डेसिमल हटा दो, क्या बचा 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए 12 स्क्वायर क्या होता है 144। और अभी आप सिंपली देखो यहाँ पे क्या है 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लेस के बाद आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्लेस के बाद यहाँ पे क्या करेंगे डेसिमल पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? इसी तरीके से अगर क्यूब का बात करें, जैसे मान लो मुझे कोई बोला कि 0.2 का क्यूब करना है, तो हम लोग को करना क्या है कि सिंपली पहले आप 2 का क्यूब करोगे, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और उसके बाद सिंपली देखो यहाँ पे कितने प्लेस के बाद डेसिमल है 1 प्लेस के बाद, इसका जो भी पावर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × 3 क्या हो गया 3, तो अभी आपको 3 प्लेस के बाद डेसिमल डालना है, तो यहाँ तो एक ही प्लेस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2, 3, और यहाँ पे क्या करेंगे डेसिमल डाल देंगे। जैसे और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि लेट अस सपोज 0.03 इसका आपको क्यूब करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे 0.03 मतलब 0.03 का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, सबसे पहले आप क्या लिखोगे 27, उसके बाद सिंपली देखोगे यहाँ पे कितने प्लेस के बाद डेसिमल है 2 प्लेस के बाद, और क्यूब कर रहे हैं तो क्या होगा 2 × 3 का क्या हो गया 6, तो अभी आपको 6 प्लेस के बाद डेसिमल डालना है, तो यहाँ पे 2 हो गया 3, 4, 5, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 प्लेस के बाद डेसिमल डाल देंगे। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर या क्यूब के साथ निपटते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं तो सिंपली आप क्या करोगे, जैसे क्यूब है तो उसको आप 3 बार लिख लो, और जैसा मैंने पहले वाला प्रोसेस बताया उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप सीखते जाओगे तो आपका टाइम सेव होगा बहुत। जैसे देखो यहाँ पे अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर आप चाहो तो इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप इसका इसको 2 बार लिख लो, इसको 2 बार लिख लो, और उसके बाद पहले वाला प्रोसेस फॉलो कर लो, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे लिख लो 0.4 × 0.4 स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार, इसको आप लिख लो 0.06 × 0.06, तो ये स्क्वायर खत्म हो गया। अभी ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया, अभी जैसे मैंने पहले बताया था वैसे आप कर लो, या फिर जो अभी मैंने तरीका बताया उसको आप फॉलो कर सकते हो। कैसे करेंगे, तो जैसे देखो यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो आप यहाँ पे 16 लिखोगे, और ये 1 प्लेस के बाद डेसिमल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 प्लेस के बाद आएगा, तो यहाँ पे 2 प्लेस के बाद यहाँ पे क्या करेंगे डेसिमल डाल देंगे इनटू। जैसे यहाँ पे ये 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो यहाँ पे 36 लिखा, और देखो ये 2 प्लेस के बाद डेसिमल था, स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 4 प्लेस के बाद आएगा, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 4 प्लेस के बाद क्या होगा डेसिमल आ जाएगा। इसके बाद नीचे वाला तो वैसा ही है 0.8 × 0.8 × 0.0।
अभी हम लोग जैसा पहले कर रहे थे उसी तरीके से करेंगे, विदाउट डेसिमल नंबर को लिखेंगे। जैसे ये 16 है तो आप इसको 16 लिखो, यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखेंगे 36। तो देखो यहाँ पे जो मैंने डेसिमल हटाया ऊपर कितने प्लेस के बाद, यहाँ पे 1, 2, 2 प्लेस के बाद और यहाँ पे 4 प्लेस के बाद, तो टोटल कितना हो गया 6 प्लेस। तो यहाँ पे 1 के बाद क्या करेंगे 6 जीरोस लगा देंगे। और नीचे देखो ये क्या हो गया 8, ये वाला क्या हो गया 8, और इसको मैं 03 को क्या लिख सकता हूँ 3। अभी यहाँ पे देखो नीचे में डेसिमल कितने प्लेस के बाद था, 1 प्लेस, यहाँ पे 1 प्लेस और यहाँ पे 2 प्लेस, तो कितना हो गया 1 + 1, 2 + 2, 4। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 के बाद 4 जीरोस लगाएंगे। अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो देखो ये 4 जीरो से क्या होगा, नीचे का 4 जीरो कट कर दो, ये 8 से कट करेंगे 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से ये कट कर दो 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 से ये कटेगा 9 टाइम, फिर 3 से कटेगा 9 टाइम, तो यहाँ पे क्या आया 3। तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है 3/, नीचे में क्या है 100, तो 3/100 क्या होगा, आपको समझ में आ रहा है कि अगर किसी नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे मतलब दो प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। तो 3 दो डिजिट का है नहीं, 0 लगा के 2 डिजिट बनाएंगे और 1 डेसिमल। तो इस तरीके से हम लोग आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको एरर नहीं होगा, ये 100% मैं बोल सकता हूँ। डेसिमल लेके चलोगे कंफ्यूज होगे, उससे बेटर है कि डेसिमल का चक्कर हटाओ उसके बाद आप कैलकुलेशन करो, ठीक है। और ऐसे ही एक्चुअली में कैलकुलेशन करना भी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे ये इतना बड़ा बड़ा नंबर है, तो या तो अगर आपको स्क्वायर क्यूब में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको मल्टीपल टाइम लिख लो और फिर सॉल्व कर लो, वो इजी होगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप क्या देख रहे हो 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको आप चाहो तो 3 बार लिख लो, 0.02 × 0.02 × 0.02, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2.1 का स्क्वायर है तो आप इसको 2 बार लिख लो, 0.3 का क्यूब है तो आप इसको 3 बार लिख लो, यहाँ पे क्या है 0.14 को 2 बार लिख लेंगे और × 2। और नीचे में क्या है, यहाँ पे 0.4 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेते हैं, यहाँ पे 0.7, देखो यहाँ पे एंड में 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो 0.7 को 2 बार लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है 0.02 इसका स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 बार लिख लेंगे। अभी आप कैलकुलेशन करना ही स्टार्ट करो। सिंपली देखो आपको क्या करना है, पहले ऊपर वाला जितना भी नंबर है उसको लिखना है और उसके लिए नीचे 10 का पावर लेके आना है। तो देखो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2, वही आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 का क्यूब क्या होता है डायरेक्ट 8 होता है, ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है 2.1, यहाँ पे क्या है, सॉरी इसमें डेसिमल हटा के लिखेंगे तो मैं इसको क्या लिखूंगा 21, इसको क्या लिखूंगा 21, यहाँ पे क्या है 3 × 3 × 3, यहाँ पे क्या है 14 × 14 × क्या दिख रहा है मुझे 2 डिवाइडेड बाई। अभी देखो यहाँ पे 10 का कितना प्लेस के बाद डेसिमल था वो देखो, यहाँ पे हो गया 2 प्लेस 2 प्लेस, यहाँ पे 2 प्लेस, तो टोटल क्या हो गया 2 + 2 + 2, यहाँ पे चलो लिख लेते हैं 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 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 यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 2, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 + 4 क्या हो गया 15। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 10 का पावर 15, क्योंकि अभी 10 के बाद 15 जीरो लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो आप इसको 10 का पावर 15 भी लिख सकते हो। अभी नीचे में देखो क्या है, यहाँ पे पहले विदाउट डेसिमल लिखते हैं 4 × 4 × 7 × 7 × 2 × 2, पहले मैंने विदाउट डेसिमल लिख लिया। अभी हम लोग देखते हैं कि डेसिमल कितना था, तो यहाँ पे देखो कितने प्लेस के बाद 1 प्लेस के बाद, यहाँ पे 1 प्लेस के बाद, यहाँ पे 1 प्लेस 1 प्लेस, यहाँ पे क्या था 3 प्लेस और यहाँ पे क्या था 3 प्लेस, तो टोटल कितना हो गया 6 + 1 7 + 1 8 + 1 9 + 1 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 का पावर क्या हो गया 10 आ गया, ठीक है। अभी इसका पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, देखो कैलकुलेशन इजिली किया जा सकता है। देखो यहाँ पे 2 × 2 से क्या होगा, एक 4 कट जाएगा, उसके बाद ये 2 से क्या कर सकते हैं, एक 2 को यहाँ का कट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एक 2 है उससे क्या करोगे आप, एक 2 को कट कर दो, उसके बाद मुझे दिख रहा है यहाँ पे 7 7 से कट जाएगा ये 14 2 टाइम्स, ये 7 से कट जाएगा ये 14 2 टाइम्स, नीचे में और 4 बचा तो ये 2 × 2 से क्या होगा, ये 4 भी कट गया, तो नम ऑलमोस्ट सारा नंबर कट चुका है। अभी आपको बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 21 × 21 और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ,
27 के साथ। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 इंटू 21 होता है 441, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ। तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 का वन टाइम क्या हो गया 7, ये हो गया 28, 2 टाइम्स 28 प्लस 2 क्या हो गया 30, यहाँ पे क्या हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये क्या हो जाएगा 7, मैं नीचे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है 7, 8 प्लस 2 क्या हो गया 10, यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 11, तो ये नंबर आ रहा है। अभी यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, ऊपर में 10 का पावर 10 है और नीचे क्या है 10 का पावर 15, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको 10 का पावर 10 का मतलब ऊपर क्या है 1 के बाद 10 जीरोस है और नीचे 1 के बाद क्या है 15 जीरोस है, तो जब आप इसको कट करोगे तो नीचे क्या होगा 5 जीरो बच जाएगा, तो यहाँ पे मतलब इसको डिवाइड करना है मुझे 1 के बाद 5 जीरो से, तो इसको अगर मुझे मान लो 1 के बाद 5 जीरो है तो डेसिमल कितने प्लेस के बाद आएगा, तो डेसिमल आएगा 5 प्लेस के बाद, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे, मतलब इसका आंसर क्या था 1190, ये इसका आंसर था। देखो ये क्वेश्चन ये सब देखने में क्या है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आज का जो मेरा वीडियो का जो मेन एम है वो ये है कि आप लोग पहले इसको कैलकुलेट करना सीखो, फिर हम लोग सीखेंगे कि इसको फास्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप एक्यूरेट करो फिर क्या करो फास्ट करो, बहुत लोग तो ऐसे क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देते। देखो आई थिंक जो भी मैंने आज आप लोगों को डेसिमल कराया है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि देखो ये बहुत ही बेसिक सा चीज है और बिलीव करो बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ मैं देखता हूँ कितना डेसिमल का फियर रहता है बच्चों में, इसलिए मैंने सोचा कि एक बेसिक सा वीडियो बनाया जाए। अगर आप चाहते हो कि ऐसा और भी एडवांस लेवल का मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बोलिए, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और ट्राई करूंगा कि आपका कैलकुलेशन जो है वो इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन। आप कहीं पे भी जाओ, आप फिजिक्स सॉल्व करो, केमिस्ट्री सॉल्व करो, मैथ सॉल्व करो, हर जगह कैलकुलेशन आएगा और बिलीव करो ये डेसिमल तो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फाइनली मैं आपको कहना चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने पेशेंस के साथ मेरा इतने टाइम का क्लास अटेंड किया, थैंक यू वेरी मच।